नमस्कार, मैं बॉबी झा, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। यौन शोषण मामले में नाना पाटेकर को मिली क्लीन चिट। बॉलीवुड में मीटू अभियान की शुरुआत करने वाले नाना पाटेकर और तनुषी दत्ता के विवाद से अब एक नया मोड़ ले लिया है। खबर है कि तनुषी दत्ता के द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर पुलिस को नाना पाटेकर के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने नाना पाटेकर को तनुषी दत्ता की यौन शोषण मामले में क्लीन चिट भी दे दी है। जानकारी के अनुसार पुलिस को अभी तक एक भी ऐसा गवाह नहीं मिल सका है जिसकी कहानी तनुषी की कहानी से मैच हो रही हो। जानकारी के अनुसार पुलिस का कहना है कि तनुषी दत्ता और नाना पाटेकर यौन उत्पीड़न मामले में पुलिस ने तकरीबन 12 से 15 गवाहों के बयान दर्ज किए हैं। इन गवाहों में फिल्म जय को एक्ट्रेस डेजी शाह भी शामिल है। इसमें सलमान खान के साथ मूवी जय होम में काम कर चुकी एक्ट्रेस डेजी शाह भी शामिल है, लेकिन इसमें से किसी भी गवाह का बयान तनुषी दत्ता के बयान से मैच नहीं कर रहा है और न ही नाना पाटेकर को गुनाहगार साबित कर पा रहा है। मोदी का ममता बनर्जी पर हमला, पश्चिम बंगाल की जनता आपसे परेशान है। पीएम मोदी ने मथुरामपुर की चुनावी रैली में सीएम ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि आपसे राज्य की जनता परेशान है, आपका बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी की जा चुकी है। उनका ये सेवक एक मजबूत सरकार बना सके, इसके लिए पश्चिम बंगाल ने ठान लिया है कि वो बीजेपी को 300 सीट से पार कराएगी। पीएम ने कहा कि दीदी बंगाल के बच्चों और बंगाल की बेटियों को बात बात में जेल भेज देती है, लेकिन घुसपैठियों और तस्करों को उन्होंने खुली छूट दे रखी है। कल मीडिया में मैंने देखा कि दीदी ने बीजेपी के दफ्तर पर कब्जा करने की भी धमकी दी है। अपने भतीजे के साथ मिलकर इन्होंने टोला बाजों और तस्वीरों का एक सिंडिकेट चला रखा है। पीएम मोदी ने कहा, टीएमसी के गुंडे ने रात को महान शिक्षाविद समाज सुधारक ईश्वर चंद विद्यासागर जी की मूर्ति को तोड़ दिया। ये साफ दिखता है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए दीदी किस स्तर पर जा सकती है। उस कॉलेज में सीसीटीवी कैमरा लगे थे, क्या कारण है कि सरकार नादा शादा के सबूतों की तरफ इसके भी सबूत मिटा रही है। प्रज्ञा ठाकुर ने नाथूराम गोडसे को बताया देशभक्त। नाथूराम गोडसे को आजाद भारत का पहला हिंदू आतंकी बताने जाने के कमल हासन के बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। मक्कल निधि मयम के संस्थापक और एक्टर कमल हासन पर भोपाल लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने पलटवार किया है। साध्वी ने नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं उन्हें इस बार लोकसभा चुनाव में जवाब मिल जाएगा। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे, ऐसा बोलने उनको आतंकवादी कहने वाले लोग स्वयं की गिरेबान में झांक के देखें। अब की चुनाव में ऐसे लोगों को जवाब दे दिया जाएगा। बीजेपी प्रत्याशी से पत्रकारों ने सवाल किया कि कमल हासन ने नाथूराम गोडसे को हिंदू आतंकवादी बताया था, इस बारे में वह कहना चाहती है। जवाब में प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, देशभक्त है और देशभक्त रहेंगे। उन्हें हिंदू आतंकवादी बताने वाले अपने गिरेबान में झांक कर देखे, अब की बार चुनाव में ऐसे लोगों को जवाब दे दिया जाएगा। एस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।